जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। तो जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एक सभा में हैं, वो शामिल हुए जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्य के नागरिकों के लिए आवास योजना, BPL कार्ड के अंतर्गत वितरित किए गए राशन और आरक्षण आदि विषयों पर चर्चा की। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आवास के लिए आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण है, वो अभी अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और साथ ही आरक्षण आदि मुद्दों पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विस्तार से चर्चा की। तो चलिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से उन्हीं के वाणी में सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। संविधान में यूं सब व्यवस्था है कि आरक्षण के वार्ड मन में आरक्षण, पंचायत मन में आरक्षण, नगर पालिका नगर निगम में आरक्षण, विधानसभा लोकसभा में आरक्षण। यदि आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो हमार अनुसूचित जाति जनजाति के आदमी मन तो विधानसभा लोकसभा पहुंच भी नहीं करती। रोजगार में नौकरी में यूं मन में आरक्षण, आरक्षण बात लगी खिलावन भाई केस भी जेकर जतका जनसंख्या है संविधान में, भारत के संविधान में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जतका आरक्षण है उतका प्रतिशत, जतका तुम्हारी जनसंख्या तत्के प्रतिशत नौकरी में शिक्षा में होकर आरक्षण मिल ही। 2011 के जनगणना में अनुसूचित जाति की संख्या 13%, लेकिन पिछला सरकार आरक्षण दिस 12%। 2021 के जनगणना होते नहीं है, हर 10 साल में होते। जनगणना भारत सरकार करते, राज्य सरकार नहीं करे, भारत सरकार करावे नहीं करे। 2023 होगी और जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी होते, ओकर से जतका भी समाज में जिन छूटे हुए व्यक्ति मने जेल राशन के है, आवास के है, बिजली के है, किसानी खेती किसानी के है, बहुत अकन योजना है जेकर लाभ आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से मिलते। अब जब जनगणना के नहीं होते तो लाभ किसे मिली? भारत सरकार ने कई बार में चिट्ठी लिखे, प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखे कि जनगणना करा जल्दी, लेकिन वो नहीं होते। नौकरी और शिक्षा का आरक्षण तो अलग है, लेकिन जो हर महीना जो राशन मिलना है, BPL कार्ड बनना है, काबर नहीं मिल पाते? काबर की जनगणना 2011 में हो है। अब ओकर बात तो परिवार बाढ़ गए जी, जिन 2011 में जिन लड़का की उम्र 10 साल 12 साल रही थे, आज 2023 में 25 साल के हो गए, बड़े हो गए, ब्याह हो गए, लोग लड़का हो गए, घर द्वार अलग हो गए, वो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए लाभ? लेकिन जनगणना कराते नहीं है। और ये काम भारत सरकार के पूरा देश भर में होना है, अकेला छत्तीसगढ़ में थोड़े होना है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण आवाज पर हमन कराए 2011 में, जबकि जिक्र मन के नाम हावे तेल तो मिलबे करी, ओकर पर 3,200 करोड़ की व्यवस्था है बजट में रखे, लेकिन जिक्र मन के जिन छूटे है जिन पात्रता रखते ओकरो सर्वे होते 1 अप्रैल से शुरू करें, आज 15-16 दिन हो गए लगातार हमर मन के चला थे, और जिन भी पात्र पाए जाए वो मल्ला आवास की सुविधा मिली क्रमबद्ध से देबो। तो गरीब आदमी आवास के, बिजली के, पानी के, ये सब सुविधा। राशन 35 किलो दे थे, कोनो राज्य में 35 किलो नहीं मिला थे, 5 किलो पर हेड मिलते दूसरा राज्य में, और यहां 35 किलो प्रति परिवार मिला था। बिजली बिल आधा के छूट 400 यूनिट तक के होकर लाभ मिला थे। एक तरफ सर्वे नहीं करा थे, दूसरी तरफ भाजपा दबाव में राज्यपाल दस्तखत नहीं कर रहे थे। सीधा सीधा बात यह है कि जिन भारतीय जनता पार्टी वाला ने गरीब के हित नहीं करना चाहते, और हम देना चाहते और रोके काम कर रहे थे, हम तो दे रहे भाई देना रोके काम,
धान लो 25 रुपए करे तेला रोके काम करी तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए। कोरोना काल के बाद भी 9000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देन 15 क्विंटल खरीदा थी रमन तो 10 क्विंटल खरीदा थी इसे हम आंदोलन करे तो 15 बीस अब ये साल 20 क्विंटल खरीदू कहा था तो कहां लाई धान किसान मन तस्करी करी ये भारतीय जनता पार्टी मन कहा थे। आज जब धान का उत्पादन है पहली 55-56 लाख मीट्रिक टन खरीदा थी इसे अब 107 लाख मीट्रिक टन हो गए 4 साल में दुगुना हो गए उत्पादन। अब उत्पादन 12 थे तो 15 की जगह 20 करूं कहा था खरीदूं कि ये ओला एमन विरोध करा था